जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सृष्टि ज्ञान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद एक और जन्म कुंडली का हम अध्ययन करेंगे। यह जो जन्म कुंडली है, यह सम्यक जैन जी की है। सम्यक जैन जी, आपने जो बर्थ डिटेल दी है उसका मिलान कीजिए। 6/6/2001, टाइम जो है सुबह के 3:35 AM, विदिशा, मध्य प्रदेश, बर्थ पैलेस। आपने गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, बिजनेस के बारे में पूछा है। आप बीकॉम फर्स्ट ईयर आपने बताया। आपने जो डिटेल दी है इसके अनुसार मेष लग्न वृश्चिक राशि है। दोनों का स्वामी मंगल। जो लग्न की डिग्री है, 9 डिग्री का आपका लग्न है, जो कि कमजोर लग्न है। लग्न लग्नेश कमजोर हो तो काफी संघर्ष उस व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ता है, झेलना पड़ता है, काफी दुखों का सामना करना पड़ता है। तो लग्न हुआ, लग्नेश जो है, राशि स्वामी जो है मंगल, वो भाग्य भाव में बैठे हैं उच्च के केतु के साथ। एक डिग्री के हैं, जिस वजह से आपको जो फल मिलना चाहिए था, जो आपको हासिल हो जाना चाहिए था, उसमें कमी आई, देरी होगी, उतना नहीं मिल पाएगा। अगर राजयोगों का फायदा उठाना हो या कुंडली अच्छी हो तो उसमें लग्न लग्नेश का बलवान होना जरूरी है। बुध राहु एक साथ मिथुन राशि में जा रहा हूं, उच्च के हैं, विराजमान है पराक्रम भाव में। तो माँ का जो भाव है, कर्क राशि चौथा भाव, इसका स्वामी चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होकर अष्टम भाव में बैठा है। तो यह आपको तो समस्या पैदा करेगा ही, डिप्रेशन की स्थिति लाएगा, बार बार उतार चढ़ाव आएंगे। माँ को भी आपकी वजह से समस्या होगी, आपकी वजह से चिंता होगी। गवर्नमेंट जॉब के बारे में आपने पूछा है तो बता देते हैं, 21 डिग्री का आपका सूर्य है, मंगल और सूर्य ये नौकरी के कारक होते हैं। जो कि देखो, आपका सुबह ब्रह्म मुहूर्त का जन्म है, सूर्य निकलता नहीं है, तो सूर्य इतना बलवान नहीं है। शनि के साथ, पंचमेश होकर शनि के साथ बैठा है, सप्तमेश, जो इसके सप्तम सप्तमेश होते हैं, सूर्य से सप्तम राशि बढ़ती है कुंभ राशि, उसके स्वामी उसके साथ बैठे हुए हैं। गुरु भी यानी भाग्य भाव के स्वामी भी अस्त हैं, सूर्य शनि की युति के साथ विराजमान हैं। तो कहें तो आपको जो आप चाहते हैं, IAS या जो भी गवर्नमेंट जॉब आप चाहते हैं, उसके लिए आपको तारे तोड़ने के बराबर, आसमान में तारे तोड़ने के बराबर कहें या लोहे के चने चबाने के बराबर कहें, उतनी मेहनत आपको करनी होगी। वृश्चिक राशि, लग्न राशि दोनों शनि और राहु के दुश्मन हैं मंगल, तो ध्यान रखिएगा। पाया लोहे का है, वर्ण ब्राह्मण है, योनि मृग की है, गण राक्षस है। ब्राह्मण वर्ण को भी शनि राहु ज्यादा पीड़ा देते हैं। केतु आपका उच्च का भाग्य भाव में बैठा हुआ है, तो धर्म कर्म आप करेंगे और धर्म कर्म आप यदि पूर्ण निष्ठा से, धैर्य से करेंगे तो आगे जाकर आपको लाभ मिलेगा, आपकी संतति को आपसे लाभ मिलेगा। आप कुछ ऐसा करके जाएंगे आपके समाज में कि वो आपको याद रखेंगे, आपकी छवि अच्छी रहेगी।
मंगल आपके वक्री भी हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, केतु की महादशा चली हुई है 21/12/2021 तक, शनि की अंतरदशा है 24/12/2021 तक। तो याद रखिएगा केतु आत्मा का कारक है, केतु धर्म पता का है और मंगल के साथ में बैठा है और मंगल की तरह ही रिजल्ट देता है। धर्म कर्म कीजिए, बड़ों की सेवा कीजिए, सूर्योदय से पूर्व उठने की आदत डालिए, शुद्ध सात्विक रहिए, जितनी हो सके धर्म कर्म में रुचि रखिएगा, दान कीजिएगा। इसकी वजह से हो सकता है कि आपको आपका मनचाहा फल तुरंत मिल जाए। आपके धर्म कर्म ही आपको बहुत कुछ मदद करेंगे। इसके बाद में बुध की अंतरदशा आएगी 21/12/2021 तक। बुध आपके उच्च के राहु के साथ में बैठे हैं, व्यापार के कारक हैं, वाणी के कारक हैं। तो अगर आप व्यापार से बिजनेस से लाभ उठाना चाहते हैं तो वाणी में निखार लेकर आइए, ओज लेकर आइए। मंगल को मजबूत करना है तो दौड़ धूप शुरू कीजिए, योगा प्राणायाम शुरू कीजिए, जिम कर सकते हैं, जिससे कि आपका लग्न लग्नेश और राशि स्वामी सब मजबूत होंगे तो आपको फायदा मिलने लगेगा। छोटा भाई है तो उसके साथ मतलब उसकी मदद कीजिए, उसको कोई ना कोई उपहार दीजिए, उसके साथ रहिए तो भी आपको फायदा मिलेगा। या सरकारी नौकरी की बजाय बिजनेस फील्ड में अच्छा निखरेंगे, लेकिन एक समय के पश्चात आपकी जो अभी शुरू की लाइफ है, लग्जरी लाइफ है, वो इतनी सही नहीं रहेगी। जो आप चाहते हो बहुत ही रेयर चांस के बाद आपको मिलेगा, ये लगा लीजिएगा आप, क्योंकि शुक्र भी 5 डिग्री के ही हैं, ज़्यादा मजबूत नहीं है। कुल मिलाकर आपको जो कुंडली है आपकी, वो आपके कर्म पर आधारित है। जितना मजबूती से, जितना दृढ़ता से आप अपना कर्म करेंगे, टारगेट बनाकर करेंगे, उतनी ही सफलता आपको मिलेगी। याद रखिएगा, जैसा कि चाणक्य जी ने कहा है, जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही जीत शानदार होगी, बस ये याद रखिएगा और मेहनत कीजिएगा। मेडिकल क्षेत्र का काम आप कर सकते हैं, दवाइयों का। आप शनि से संबंधित काम कर सकते हैं, क्योंकि शनि अपनी ही दृष्टि से देख रहे हैं, 10वीं दृष्टि से खुद की कुंभ राशि को। दुकानदारी आप कर सकते हैं, उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। बुध, केतु, राहु, इनका लाभ लेना है तो भगवान श्री गणेश की आप सेवा कीजिए, उनके व्रत कीजिए, उनके 12 नाम जो हैं मैंने वीडियो डाल रखा है, आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा, संकटनाशक गणेश स्तोत्र, उसका पाठ कीजिए, भगवान श्री गणेश को दुर्गा का भोग लगाइए। 11/21/51 बुधवार के व्रत कीजिएगा। नखून छोटे रहने चाहिए, साफ सफाई रखिएगा, मंदिर में साफ सफाई कीजिएगा, इससे आप केतु अच्छा लाभ देगा। धार्मिक ग्रंथों का भी आप दान कर सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं, तुरंत आपको लाभ मिलेगा। जो है मूल वो है, आप पानी में निखार लेके आएंगे, बुध और राहु का आपको फल मिलने लगेगा। गवर्नमेंट के चांस कम है, फिर भी तैयारी कीजिएगा, आपके धर्म कर्म आपको इसमें विजय दिला देंगे। तो ये था आपकी कुंडली का विवरण। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो सृष्टि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए और 1 या 2 सवाल आपके जो हों आप डिटेल डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, श्री राधे।